यार वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है ना, बेसिकली मेरी बाइक को वॉश करना है और नई बाइक को किस तरह वॉश करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और हमने बेसिकली कल अपनी बाइक की स्टिकरिंग करवाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ का स्टिकर करवाया है और कितने में हमारी स्टिकरिंग हुई है। तो आइए बाइक को बाहर निकालते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, उनकी शिकायत होती है कि हमारी बाइक बिल्कुल ब्रांड नहीं होती है, कुछ महीने चलाई होती है लेकिन उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है और उनकी बाइक डल हो जाती है। तो ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं, 1450 किलोमीटर चल गई हुई बाइक और इसकी शाइन आप देखिए, जैसे आज भी वैसी जैसे एक शोरूम से निकली होती है। वो क्यों नहीं, इस तरह की इसकी शाइन है? शाइन इसलिए है क्योंकि देखें अक्सर ये डस्ट आपको नज़र आ रही है, ये मडगार्ड के ऊपर भी है, इसी तरह सिलेंसर पे भी है। ये डस्ट देखें आप, इस तरह पूरी बाइक के ऊपर एक डस्ट होती है जो आपको नज़र नहीं आ रही होती। जब आप क्या करते हैं, आप हल्की सी इस तरह गंदी है लोग कपड़ा मार देते हैं, कपड़ा मार के साफ़ कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि जब मिट्टी स्क्रैच करती है ना किसी चीज़ के ऊपर, ये पार्ट क्रोम के पार्ट्स होते हैं, पेंट वाले पार्ट्स होते हैं, तो उनकी शाइन हो जाती है ख़त्म, उस पर छोटे छोटे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, वो नज़र नहीं आते। आपने क्या करना है, जब भी आपकी बाइक, कोशिश किया करें एक एक हफ़्ते का गैप रखें, हफ्ते बाद आप बाइक वॉश कर लिया करें। अब ये हल्की सी गंदी है तो इसको साथ साथ अगर मैं साफ़ करता रहूँगा तो ज़्यादा गंदी नहीं होगी। अब ये देखें, ये इंजन के नीचे थोड़ी सी मिट्टी आना शुरू हो गई है, इसको अभी मैं सारा वॉश करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपने अपनी बाइक को किस तरह वॉश करना है, सारा मैं आपको समझाता हूँ। सर्फ़ नहीं आपने यूज़ करना, सर्फ़ यूज़ करेंगे तो स्क्रैचेस पड़ेंगे। आपने यूज़ करना सिंपल कंडीशनर और शैम्पू, वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पेपरिंग करवाई है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी टैंकी लेमिनेशन करवाई है, शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये टापे इसके लेमिनेशन की। अभी थोड़ी सी ना ये इसको मैं हीट करके सेट करूँगा इसके किनारे, ठीक है। और ये साइड वाले गोले इसके लेमिनेशन करवाए हैं, शॉक के गोले इसके लेमिनेशन करवाए हैं। फिर ये मीटर अक्सर इसका ये मदहम हो जाता है धूप के साथ, मिट्टी के साथ, तो इसको लेमिनेशन करवाया है। ये अपनी ID लिखवाई है, ये छोटा सा स्टिकर लगवा दिया है। और ये वाला जो एरिया होता है ना, ये इसके ऊपर, यहाँ पे पाँव जब आप रखते हैं तो यहाँ भी आपके पाँव लगते हैं तो यहाँ से रंग उड़ जाता है, इसको लेमिनेशन करवाया है। ये लेमिनेशन हुई है और बस, और एक ये स्टिकर छोटा सा लगा है। तो ये टोटल हमारा जो सारा पूरी बाइक की स्टिकरिंग हुई है वो 1200 रुपये के अंदर हुई है पूरी बाइक। इससे ये होगा कि हमारी बाइक के जितने भी पेंट्स वाले पार्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो गए। बाइक होगी है हमारी बिल्कुल वॉश, देख के आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। अब आप देख रहे हैं, ये होती क्वालिटी वॉश। कहीं भी आपको वाटर स्पॉट नज़र नहीं आ रहा क्रोम के पार्ट्स के ऊपर, कहीं भी मिट्टी का कोई स्पॉट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ नीचे से देखें बाइक को, इसको बिल्कुल वैसी कर दिए जैसे कंपनी से आई थी, कोई मिट्टी का स्पॉट नहीं है। ये चीज़ें होती हैं मडगार्ड, आप देखिए क्रोम के, इधर वाटर जब आप मतलब बाइक को धो लेते हो तो यहाँ पे वाटर स्पॉट्स बन जाते हैं जो कि बुरे लगते हैं क्रोम के हिस्सों पे, स्पेशली इधर हैंडल पे और जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँचा। तो मैंने एक एक चीज़ को ब्रश के साथ धोया है। अभी देखिए ना, ये पानी नज़र आ रहा है आपको हल्का हल्का, अभी इसको मैं साफ़ कर लूँगा साथ साथ। ये टायर आप देखें, गाड़ी हो या बाइक, उसके टायर ब्लैक ही प्यारे लगते हैं जब वो गाड़ी साफ़ हो। अगर ये ब्लैक टायर नहीं होंगे, बाइक पूरी साफ़ होगी तो वो प्यारी नहीं लगेगी। तो इसके लिए मैंने क्या यूज़ की है, कोई भी गंदा मोबिल ऑयल आपने लेके किसी भी स्पंज के साथ आपने टायरों पे लगाते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल लुक है। तो ये वो तरीका है जिससे आप अपनी नई बाइक को मेंटेन रख सकते हैं। अगर मैं इस तरह इसको साफ़ करता रहूँगा तो मैं इसको साल भी यूज़ करूँगा, इस पर कोई स्क्रैच कुछ भी नहीं होगा इसको, और इसकी जो शाइन और इसकी जो वो है ना चमक, वो इसी तरह ही रहेगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।